हेलो एवरीवन। सो आज के इस लेसन में मैं आपको क्लास फर्स्ट एंड सेकंड की ईवे सिलेबस का एक चैप्टर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ आवर फूड, एज़ यू कैन सी द पिक्चर। ओके, ड्यू टू द लैक ऑफ बुक्स मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर कंसर्न दैट हाउ टू टीच देयर चिल्ड्रन। बहुत से पेरेंट्स का कंसर्न है कि वो कैसे अपने बच्चे को एक्सप्लेन करें आवर फूड चैप्टर। सो हियर इज़ द स्ट्रक्चर। आपको मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देने वाली हूँ पूरा फॉर्मेट कि आप सबसे पहले कौन सा टॉपिक एक्सप्लेन करें बच्चे को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बच्चे को एक्सप्लेन करेंगे फूड की मीनिंग, मीन्स कि फूड होता क्या है, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो बच्चे को पहले आप बताएं दैट वी ऑल नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। हमें ज़िंदा रहने के लिए और ग्रो करने के लिए, मीन्स बढ़ने के लिए, बॉडी को ग्रो करने के लिए फूड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नाउ उसके बाद आप बच्चे को एक्सप्लेन करेंगे सोर्सेज ऑफ फूड। सोर्सेज मीन्स कहाँ कहाँ से आपको फूड मिलते हैं। हियर सोर्सेज ऑफ फूड मैंने एक्सप्लेन किया है सबसे पहले प्लांट्स एंड एनिमल्स। बच्चे को एक्सप्लेन करिए कि फूड कहाँ कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से। फिर प्लांट्स के अंडर में कौन कौन से फ्रूट्स आते हैं वो सारे बच्चे को आपको एक्सप्लेन करना होगा। पिक्चर्स के थ्रू भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं या सिर्फ नेम भी बता सकते हैं, बट पिक्चर्स के थ्रू जब आप उसे एक्सप्लेन करेंगे तो उसे ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, सो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, राइस, व्हीट, पल्स, ये सब चीज़ें प्लांट से मिलती हैं। फिर नेक्स्ट आता है एनिमल्स। एनिमल्स से मिल्क मिलते हैं, एग है, व्हीट है। आप बच्चे को ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मिल्क कौन कौन से एनिमल से मिलते हैं, एग कौन कौन से एनिमल से, जैसे हैन हो गया, डक हो गया। फिर मीट भी एनिमल से ही मिलते हैं। सोर्सेज ऑफ फूड क्लियर करने के बाद यू कैन एक्सप्लेन देम व्हेन डू वी ईट। व्हेन डू वी ईट मीन्स ईटिंग टाइम। बच्चे को खाना खाने का टाइम एक्सप्लेन करना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें एक्सप्लेन करें कि 3 मील्स होते हैं पूरे डे में, मीन्स एक दिन में 3 मील्स खाते हैं करते हैं। तो फर्स्ट है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। ब्रेकफास्ट का टाइमिंग आप बताएंगे मॉर्निंग, लंच का आफ्टरनून, डिनर का नाइट। ये आप एक्सप्लेन करेंगे उन्हें। आफ्टर दैट उन्हें ईटिंग हैबिट्स के बारे में बताएंगे। हियर गुड फूड हैबिट्स, कौन कौन से फूड हैबिट जो हैं गुड होते हैं, यू कैन एक्सप्लेन फ्रॉम हियर। हैविंग मील्स एट फिक्स्ड टाइम मीन्स मील्स करने का फिक्स टाइम होना चाहिए। देन वॉशिंग हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। खाना खाने के बाद और पहले दोनों टाइम बच्चे को वॉश करना हैंड होता है, मीन्स बच्चे को क्या सबको ही हैंड वॉश करना होता है। सो ये आप उन्हें एक्सप्लेन करेंगे। आफ्टर दैट मस्ट नॉट ईट अनकवर्ड फूड। बच्चे को ये भी एक्सप्लेन करना है आपको कि उन्हें अनकवर्ड मीन्स जो कवर नहीं होते हैं फूड उसे नहीं खाना चाहिए। च्यू फूड वेल, फूड को अच्छे तरीके से च्यू करके ही खाना है। ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वाटर एंड पानी पीना है बहुत सारा, मीन्स एक दिन में इन अ वन डे दे नीड टू ड्रिंक 6 ग्लास ऑफ वाटर। 6 ग्लास ऑफ वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रिंक, मीन्स पूरे दिन में 6 ग्लास वाटर पीना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, इतना आप क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट्स को, मीन्स क्लास फर्स्ट के बच्चे को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड हियर क्लास सेकेंड में अगर है आपका बच्चा तो आप उन्हें एक और टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे, फूड्स ग्रुप, मीन्स फूड कितने तरह के होते हैं, काइंड्स ऑफ फूड में आ जाते हैं ये एक तरह से। कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप उन्हें एक्सप्लेन करेंगे एनर्जी गिविंग फूड्स, कौन कौन से फूड्स होते हैं जो एनर्जी देते हैं। देन प्रोटेक्टिव फूड्स, फिर कौन कौन से फूड होते हैं जो प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं। देन कौन से फूड होते हैं जो बॉडी बिल्डिंग फूड्स, मीन्स बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करने वाले जो फूड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है। आप पहले उन्हें 3 पार्ट्स एक्सप्लेन करिए, एनर्जी गिविंग फूड्स, प्रोटेक्टिव फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। फिर उसके अंडर में आपको एक्सप्लेन करना है कि एनर्जी गिविंग फूड्स के अंडर में कौन कौन से फूड्स आते हैं आपके। तो यहाँ आप देख सकते हो राइस, पोटैटो, बटर, शुगर। देन प्रोटेक्टिव फूड्स के अंडर में कौन से आते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, नट्स। देन बॉडी बिल्डिंग फूड्स में एग्स, मिल्क, पल्सेस, मीट, फिश। ये हो गए आपके क्लास सेकेंड के स्टूडेंट्स के लिए। मीन्स आपको फर्स्ट में इतना एक्सप्लेन करना है, उसके बाद अगर क्लास सेकेंड का स्टूडेंट है तो इतना तो एक्सप्लेन करोगे ही आप, साथ ही साथ आपको ये भी एक्सप्लेन करना होगा। ओके, सो आई होप दिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।